स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि उन महत्वपूर्ण मदों का नाम बताइए जिन्हें भारत विभिन्न देशों से आयात करता है, यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं हम दूसरे देश से आयात करते हैं। तो हम पेट्रोलियम का आयात करते हैं, पेट्रोलियम या पेट्रोलियम के अन्य उत्पाद, पूंजीगत सामान का आयात करते हैं, मोती का आयात करते हैं, अल्प मूल्य रत्न का आयात करते हैं, सोना व चांदी का आयात करते हैं, रसायन संबंधी उत्पाद का आयात करते हैं, खाद्य संबंधित वस्तुओं का आयात करते हैं, वस्त्र धागे तथा कपड़े आदि का आयात करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, आयात। तो आयात करने का मतलब क्या होता है, आयात का मतलब है खरीदते हैं, क्या करते हैं खरीदते हैं, याद रखिए। और इसका विपरीत एक शब्द होता है निर्यात, निर्यात का मतलब होता है क्या करते हैं बेचते हैं। आप इतना एकदम सिंपल तरीके से समझने के लिए मैंने आपको यह समझाया है, यानी ये सारी चीजें हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। अब जो चीजें हम खरीदते हैं इसका मतलब वो चीजें हम बना नहीं पा रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल अगर हम खरीद रहे हैं या पेट्रोल से बने हुए उत्पाद को खरीद रहे हैं, यानी कि ये हमारे देश में उपलब्ध नहीं है या पर हम इसे बना नहीं सकते। अब आप इस लिस्ट को देखिए, यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिख रहा है, इस लिस्ट में देखिए कौन सी वस्तुएं कितनी मात्रा में खरीदते हैं, ठीक है, जबकि देख सकते हैं खाद्य तेल तक हम क्या करते हैं आयात करते हैं। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।